गई किसके लिए हैं? अभी आप यहां आए हो, दुनिया वाले तो आपसे हैप्पी नहीं होंगे। कई तो आप लोगों के यंग फ्रेंड्स जो होंगे वो क्या कहें, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, कोई तुम्हारी उम्र है कथा सुनने की? ना, ये हमारी उम्र तो दरिया रांधने की है, रंधवावे की। जो लोग कहते हैं कि कथा सुनना बुढ़ापे का काम है, वो अपने साथ सबसे बड़ा धोखा करते हैं, सबसे बड़ा। अगर अभी सीख गए तो जिंदगी भर सुधरे रहोगे, और अभी बिगड़ गए तो, मैं तो कहता हूं जिनका बचपन सुधर गया उनकी जवानी सुधर जाती है, और जिनकी जवानी सुधर गई उनकी जिंदगानी सुधर जाती है, और जिनका जिंदगी का जवानी बिगड़ गई तो पूरे सातों जन्म नहीं कितने जन्म बिगड़ जाते हैं। तो सुधारना है तो जवानी को सुधारना है ना, बुढ़ापे में क्या होगा फिर? तो श्री कृष्ण के पास जाना ही ये सौभाग्य की बात है। रात्रि हो या दिन क्या फर्क पड़ता है, आप लोग भी यहां आए हैं कथा सुनने के लिए आए हैं। दुनिया चाहे अनहैप्पी तुमसे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो प्रसन्न है ना। किस किस की आत्मा प्रसन्न है यहां आकर? कई लोग ऐसे भी हाथ उठा रहे हैं, मुझे आपके चेहरा देख के डाउट हो रहा है, प्रसन्न तो आप दिख नहीं रहे, लेकिन कईयों की शक्ल बता रही है ये मजबूरी में आके बैठ गए। अब बैठे हैं तो ठीक है, हाथ उठा लो, लेकिन वो हैप्पीनेस जो मेरे चेहरे पे है, जो और लोगों को, आप पे चेहरे नहीं, दुखी से लग रहे हो, जैसे यहाँ जब तक बैठे रहेंगे तब तक कर्ज बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं माय डियर, यहाँ जितने भी लोग बैठे हों वो इस चाह में बैठे हों कि दुनिया को मना के देख लिया, अब तुझे मना कर देखेंगे, दुनिया पे मर के देख लिया, अब तुझ पे मर के देखेंगे। पल्ले कुछ नहीं आया दुनिया के बन के। तो गोपियों से कह रहे हैं स्वागतम महाभागा, तो यही भगवान ने स्वागत किया, इसका मतलब भगवान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, तुम आइयो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, है ना। लेकिन देखिए भगवान उपदेश भी दे रहे हैं, हे गोपियों, रात्रि में अपने पति को छोड़कर, परिवार को छोड़कर घर से बाहर निकलना स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं है, उसे अच्छा नहीं समझा जाएगा, जितनी जल्दी हो सके वापस जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो, भगवान उपदेश दे रहे हैं। गोपी बोली गजब के हैं, पहले तो बंसी बजा के बुलाते हैं और ऊपर से कहते हैं जाके अपने पतियों की सेवा करो, और जब सेवा ही करवानी थी तो बुलाया क्यों रात्रि में हमको? गोपियों ने पूछ लिया असली पति की सेवा करें कि नकली पति की? कई देवता कहते हैं सुना नहीं महाराज ने क्या कहा, महाराज भी कहते अपने अपने पति की सेवा करो, वही स्वर्ग है, वही सत्कर्म है। सुनो अब पूरी बात सुनाते, पूरी बोल सुना करो, अधूरी नहीं। एक पति परदेश चले गए, पत्नी को मिट्टी का पति बना कर दे गए, किसी की सेवा करना, और वो पत्नी जो थी मिट्टी के पति की सेवा करने लगी। कुछ समय निकल गया, कुछ समय बाद देवी दरवाजा बंद करके मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, उसी समय सच्चा पति आ गया, और सच्चे पति ने दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, उस समय मिट्टी के पति की पूजा चल रही थी। एज फॉर एज आवर रिलीजन, सनातन धर्म के मुताबिक पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। कौन कौन पूजा के बीच में मोबाइल रिसीव करता है? कई करते हैं, माला भी चलती रहती है, हेलो, हाँ माला कर लूं फिर थोड़ी देर बाद करूंगा आपको फोन, तेरा भला कर, ये पूजा चल रही है। जब तक तुम्हारा संबंध भगवान से जुड़ा रहे तब तक दुनिया की तरफ संबंध करके मत बैठो, बीच में बोलना नहीं, बीच में उठना नहीं, नियम फॉलो कीजिए। वो सत्यनारायणी कथा सुनी है कि नहीं कभी? किस किसने सुनी है सत्यनारायणी कथा? जब वो जाती है बीच में छोड़ के पूजा, तो क्या हो जाता है, उसका पति, वो उसकी नाव और उसका वो, आजकल तो घरों में सत्यनारायणी कथा ही नहीं होती, बहुत रेयर हो गई है, तो पता कहाँ से चलेगा, झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा। पहले सत्यनारायणी कथा घर घर में होती थी, एक घर में होती थी, पूरे गाँव के लोग सुनने आते थे, तो सत्य पे चलने की प्रेरणा मिलती थी। आजकल तो जोनी जोनी जस पापा ही नहीं चैन ले रहा है, छोटा भीम ही खा चला हमारे बच्चों के दिमाग को, हैं? और कौन सा है वो, एक और आती है ना, वो मोटू पतलू, हाँ वो भी,
नहीं वो भी है, प्लस और भी हैं दो तीन, हमारे बच्चे बता सकते अच्छे ढंग से। अरे हाँ, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये डोरेमोन, भयंकर मुसीबत है ये। बच्चे माँ बाप को छोड़ दें पर डोरेमोन न छोड़ें। मैं आप सबसे एक आग्रह करूँगा, ये जितने भी कार्टून नेटवर्क हैं विदेश में बनते हैं, इसमें देश का कोई भी कल्चर नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना आप सबसे करता हूँ, अगर अपने बच्चों को भारतीय बनाना है तो ये चैनल अपने घर में बंद करवा दो। अगर आपके घर में ये चैनल बंद हो गए तो आधी से ज़्यादा गंदी भाषा बोलना आपके बच्चे, समय से पहले आपके बच्चे जवान नहीं होंगे, समय से पहले जवान नहीं होंगे आपके बच्चे, मैं लिख के दे सकता हूं। कौन सी रीटा है वो? हाँ हाँ, बच्चों को सबको पता है वो, मुझे ही पूरा नाम याद नहीं आ रहा, हर बच्चे को पता है वो। एक रीटा और है जो आती है, है? मुझे याद नहीं आ रही, पर बच्चों के दिमाग में वो सब है। हाँ, जो भी वॉट एवर, इनसे हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? आप कहेंगे महाराज, असल में पता है बच्चों की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है माँ बाप की। माँ बाप को फ्रीडम चाहिए। आजकल के माँ बाप बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारना चाहते और ऊपर से बुढ़ापे का इंतजार करते, मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे में मेरी बात, चल पागल कहीं का, तेरी सेवा करेंगे, तू है इस लायक। जो माँ बाप अपने बच्चों का बचपन बिगाड़ देते हैं, उन माँ बाप का बुढ़ापा निश्चित बिगड़ना है, मैं लिख के दे सकता हूं, निश्चित बिगड़ना। कोशिश कीजिए हमारे बच्चों का बचपन ना बिगड़े, इसके लिए बचा के रखिए उनको, संभाल के रखिए उनको। इन चैनलों को बंद करवा दीजिए अपने घर में।